चलिए तो आज हम लोग चलते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल को देखने के लिए। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आपकी परीक्षाओं में अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग आसानी से उनके आंसर दे सकेंगे। और हम लोग यहाँ जाकर देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ जीव आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इस राष्ट्रीय उद्यान में आखिर क्या खास है कि लोग यहाँ आने के लिए आकर्षित होते हैं, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं, किसी राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं, किसी चिड़ियाघर में जाते हैं या इस तरह की कहीं घूमने वाले लायक कोई जगह है वहां आप लोग जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एक टिकट आप लोगों को लेना पड़ता है। तो आप लोगों को यहाँ के एक टिकट के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर कितना टिकट लगता है, कितने पैसे आप लोगों को देने होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पैदल जाते हैं तो आप लोगों को 20 रुपया देना होगा, 20 रुपया पर पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति के 20 रुपये लगेंगे। अगर आप लोग यहाँ देखिए, आप लोगों को साइकिल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है और आप देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को 30 रुपये देने होंगे अगर आप लोग साइकिल से अंदर घूमते हैं। और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि अगर दो व्यक्ति हैं और बाइक लिए हुए हैं तो आप लोगों को 60 रुपये देना होगा। और ऑटो से जाते हैं आप लोग अगर, समझ रहे हैं, और 4 लोग जाते हैं तो 120 रुपये देना होगा। और मान लीजिए आप लोगों के पास अगर कार है तो आप लोगों को 250 रुपये देने होंगे। और इस कार में आपको बता दूं कि 5 अधिकतम लोग हो सकते हैं। तो यहाँ आप लोग जाकर आराम से, आप काउंटर से, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इस काउंटर पे से आप लोग क्या ले सकते हैं, टिकट लेंगे। क्या लेंगे? टिकट लेंगे और यहाँ से आप लोग अंदर जा पाएंगे। और याद रखिए, यहाँ आप लोग मतलब पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप एटीएम या और भी कोई तरीका हो सकता है, वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका भुगतान कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अंदर, क्या चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। और आप लोगों को बता दूं इसके बारे में, इसे आप लोग वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। किसके? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोगों को मालूम है कि भोपाल में पड़ता है। और अब आप कहेंगे कि भोपाल कहाँ पड़ता है, तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा प्यारा पृथ्वी है और इस पे आप देखेंगे एशिया में हमारा प्यारा भारत है। और भारत में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, आपको बता दूं कि ये वही मध्य प्रदेश है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को। और आप सभी जानते हैं कि उसके आगे चल के सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। और इसीलिए आप जानते हैं कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रह गया। पहले मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हुआ करता था जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब आपको मालूम होगा कि राजस्थान पहले नंबर पर है क्षेत्रफल में और आपका मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पर है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बता चुका हूँ, भोपाल है। और आपको बता दूं कि यहाँ लोकसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 29 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 11 देखने को मिलेगी और विधानसभा सीटें आपकी 230 देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ बता दूं कि हाई कोर्ट की मुख्य ब्रांच जबलपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो भोपाल में ये वन विहार आप लोगों को देखने को मिलेगा और भी याद रखिएगा। और इसके वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के नाम से इसे आप लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ते भी रहते होंगे, जब भी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके बारे में जरूर आप लोग पढ़ते होंगे। एक बात और आपको बता दूं इसके बारे में, अक्षांश अगर आप लोग देखते हैं और देशांतर के बारे में, 23 डिग्री 13 मिनट 20.2 सेकेंड। और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 22 मिनट 25.6 सेकेंड इसकी स्थिति देखने को आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसकी? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें और इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 445.21 हेक्टेयर में ये आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और इसको आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आप देखते हैं इसके बगल में ही आपको बड़ा तालाब देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वन विहार राष्ट्रीय उद्यान घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने बोट से बड़े तालाब का सैर भी किया होगा, उसमें भी आप लोग गए होंगे। तो आपको बता दूं कि 1981 में इस पहाड़ी के वन क्षेत्र का संरक्षण सघन रूप में शुरू किया गया था
और आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1983 को पहाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें आप लोगों को देखेंगे कि इसमें कई आप लोगों को जीप देखने को मिलेंगे और कई तरह के पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए, जानवरों की बात करें तो बाघ, सिंह, तेंदुआ, भालू, हयान, सियार, गौर, बारहसिंगा, सामर, चीतल, नीलगाय, लंगूर, जंगली सुअर, खरगोश, मगर, घड़ियाल, कछुआ, ये सभी सर्प उद्यान खासकर आप लोग जाएंगे तो देखने को मिलेंगे आपको। और आप देखिए, आगे हम लोग देखेंगे भी इसमें, ठीक है। और आप देखेंगे पेड़ों की बात करें तो आप जानते हैं बेल, इमली, बबूल, अमलतास, आप समझिए लिंडिया, साजा, आंवला, तेंदू, सीताफल भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या है। तो आप देखिए, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका लकड़बग्घा। क्या है इसे? आप लोग कहते हैं लकड़बग्घा। देखिए आप लोग इस जानवर को क्या कहते हैं? लकड़बग्घा। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी की बात कर रहा हूं। आगे है आपका बाघ। क्या है? अब हम देखने चलते हैं बाघ। आप लोगों को बाघ दिखाई दे रहा है? देखिए ये है बाघ, और अच्छे से देखते हैं, और अच्छे से क्या देखना है? बाघ। देखिए बाघ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है बाघ। कुछ खा भी रहा है। क्या कर रहा है? कुछ खा भी रहा है। भोजन पानी आप लोग भी तो करते हैं, तो ये भी अपना कर रहा है, ठीक है। यहां आप लोग देखिए टाइगर पैंथर ट्रैप केज, यानी कि इसमें आप लोग देखिए जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है या खाना डाला जाता है तो उस समय इसमें इसे बंद कर लिया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आप लोग डालने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं खतरा। यहाँ उपचार के लिए आप देखिए, कभी किसी वजह से अगर इसकी तबीयत खराब हुई या कुछ लग गया, कुछ चोट आ गई तो इसमें ले जाकर बंद करके जाया जाता है। और ये भी आप देखिए ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए इसका उपयोग इसमें आप देखिए अंदर बंद किया जाता है। ये आप देखिए सफेद टाइगर है, सफेद से जानते हो, तो ये भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। मस्ती कर रहा है। क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है। तो ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब चलते हैं जंगली भैंसा की तरफ, जिसे आप लोग गौर भी यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप जानते हैं, आप लोगों ने भैंस तो बहुत देखी होंगी, भैंसा, और यहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा हिरन। हिरन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे होंगे। अब इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, गोल्डन जैकल। ये कहाँ है? दिख रहा है कहीं? एक तो बहुत जंगल टाइप का है तो आप समझ रहे हैं कि अंदर बना रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं देखते हैं कहीं। देखिए दिखा दिखा, ये देखिए देखिए, आपकी नजरें शायद हो सकता है कि दिखाई दे रही हो, दिखाई दिया ये आपका, ठीक। अब चलते हैं आगे हम लोग। अब क्या देखेंगे? अब इसमें हम लोग देखेंगे भालू। भालू बाद में देखेंगे, पहले आप लोग शेर देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? शेर, सिंह। इसके बारे में ही आप लोगों को जानकारी भी देखने को मिलेगी, कौन सा शेर है, कहाँ है, किस तरह का है। देखिए आप लोगों को शेर दिखाई दे रहा है? ये है आपका शेर। देखिए ये शेर लेटा हुआ है, आराम कर रहा, फरमा रहा है, तो ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और जूम करते हैं, देखिए दिखाई दे रहा, पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, तो ये आप लोगों को। अब चलते हैं भालू की तरफ, ठीक है, ये आप लोगों को भालू के बारे में जानकारी इकट्ठी देखने को मिल जाएगी सब कुछ। आप लोग जाइएगा जब भी इस तरह की जगह जाते हैं तो आप लोग जरूर देखा करिएगा, ठीक है। ये आप देखिए भालू दिखाई दे रहा है, ये भी आराम फरमा रहा है। आप देखिए खटिया एक तरह से डली हुई है भालू के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? आगे चलते हैं, और आप सभी जानते हैं ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या? कछुआ। कछुआ जानते हैं आप लोग, कई तरह के कछुआ होते हैं, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ आप लोगों को कछुआ दिखाई दे रहे होंगे, जूम करके देखिए आप लोग, दिख रहा है ये सभी कछुए। देखिए सबसे अच्छा अगर कुछ मुझे लगा और अच्छी तरह से कुछ देख पाया हम लोग, तो वो है सर्प।
यानी कि सांप जिसे कहते हैं आप लोग। देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गुस्से में खड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, नाग सांप है। और आप देखेंगे यहां भी आप लोगों को जानकारी इसके बारे में लिखी हुई देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे आप लोगों को सांप देखने को मिलेंगे। देखिए यहां तो ये गुस्से में खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, ये आप लोगों को धामन, ठीक है, यहां इसके बारे में आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप लोग जब भी जाते हैं तो आराम से धीरे धीरे चलते रहिए, और मेरा यही मानना है कि आप लोग साइकिल से अगर सफर करें या पैदल जाएं तो बेहतर रहेगा। और ये है आपका क्या है, रसल वाइपर, ठीक है, ये है, दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे आप लोगों को सांप यहाँ देखने को मिलेंगे, कैद करके रखा हुआ। देखिए ये चल रहा है, देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ आप लोगों को सामने दिखाई भी दे रहा होगा। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय सैल अजगर, क्या, भारतीय सैल अजगर, दिखाई दिया। देखिए ये आप लोगों को, देखिए यहाँ इसमें घुसा रहता है एक तरह से, जो बिल बनाए रहते हैं ना आप, यही समझ लीजिए ना, ठीक है, तो उसी में यहाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सब सांपों से। आप देखिए काफी डर भी लगता होगा कई लोगों को, तो यहाँ जाके आप लोग काफी देख सकते हैं, अगर कुछ खोल के देख सके तो हम लोग देख पाए हैं, क्या देख पा रहे हैं, सांप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को सांप भी दिखाई दे रहा है, और कभी इस तरह की जगह पर जाते हैं तो जो नोट लिखे रहते हैं उन्हें भी आप लोग देखते रहा करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा घड़ियाल और मगरमच्छ। आप लोग सुनते होंगे ना ये कहावत, ये घड़ियाल की तरह आंसू बहाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसी की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई देगा, जरूर देखेंगे हम लोग। दिखाई दे रहा है, देखिए यह घड़ियाल, मगरमच्छ है, और ये आपकी, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार वाटिका, ठीक है, इस तरह की आप लोगों को इसमें पेंटिंग पेंटिंग, और आप देखिए कि जो बाहर पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनकी भी आप लोगों को ली हुई फोटो देखने को मिलेगी। अब देखिए इस शेर किस तरह से मुंह में, देखिए ये मंकी मंदर को, ये देखिए ये इसका ढांचा है एक तरह से, आप देखिए मरने के बाद जो बचता है उसे रख दिया गया है, तो ये भी आप लोग, ये आप देखिए पेंटिंग बनाई गई है, ये कछुआ भी आप लोगों को बता ही चुका हूं, समझ रहे हैं। यहाँ का ये जंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हिरन आप देखते ही हैं, इन्हें भी आप लोग जानते ही हैं, देखिए टाइगर साहब, बच के रहना बस इनसे, दिखाई दे रहा है। डेली आप देखेंगे काफी लोग घूमने आते रहते हैं, हर साल आप देखिए लाखों लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा एक तरह जगह है घूमने लायक। चलिए ये कहानी इसी की है, आगे हम लोग जहाँ भी जाएंगे भारत के जिस भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं उसके बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी भी उपलब्ध कराते रहेंगे, उसका एक इसी तरह का वीडियो भी हम लोग बना के आप तक पहुँचाते रहेंगे, ठीक।